इस पर मजीद रोशनी डालने के लिए आ रही है जमात इस्लामी हिंद की मुबशरा फिरदौस साहिबा, प्रिंसिपल इखरा जूनियर कॉलेज। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप तमाम ख्वातीन की यहाँ मौजूदगी इस बात की गमाज है कि हम वो बेदार ख्वातीन हैं जो किसी भी किस्म में शरीयत के ऊपर मुदाखलत करने वाले या शरीयत पर अटैक करने वालों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मोअज्जज़ ख्वातीन, हमारे अपने मोर्चे का ये पैगाम अलल एलान है कि हम इस बात को अच्छी तरह समझ रही हैं कि हुकूमत ट्रिपल तलाक के बहाने शरीयत पर अटैक कर रही है और शरीयत पर इस तरह अटैक करके चीप वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है। मौजूद ख्वातीन, भारत का इंटेलेक्चुअल तबका ये बात अच्छी तरह जानता है कि भारत के ये बुनियादी मसाइल में से मसाइल नहीं है, ये मसाइल ऐसे हैं जिसके जरिए कम्युनल पॉलिटिक्स खेली जा रही है। भारत की तारीख का मौरख ये तारीख लिख रहा होगा कि इंतहाई नाकिस और इंतहाई कमजोर बिल के जरिए से भारत में हुकूमत ने एक पॉलिटिक्स खेल कर भी सत्ता हासिल की थी, इस बात की तारीख लिख रहा होगा। आप बिल को उठाइए और देखिए, जिस बिल को मशहूरत के नाम से तलाक सलासा के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, एक तरफ उस बिल को मैरिज प्रोटेक्शन, मुस्लिम वुमेन मैरिज प्रोटेक्शन बिल कहा जा रहा है। क्या आप साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान खवातीन को शादी के बाद प्रोटेक्शन आप देंगे? मौजूद खवातीन, इन्होंने हमारी शरीयत नहीं देखा कि जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमान खातून को पूरा प्रोटेक्शन दिया है, ये क्या चाहते हैं? हमारे घर के सुकून को बर्बाद कर दें, ये चाहते हैं मगरिब की तरह और अखवान की तरह हमारे घर भी जंग के अड्डे बन जाएं। आप जरा गौर तो फरमाइए, तीन तलाक कहने वाला शख्स जो कि हम खुद ये कहते हैं कि एक साथ तीन तलाक कहना बिदअत है, उस बिदअत के बाद जब हुकूमत के कोर्ट ने भी उसे मंजूर नहीं किया, उसके बाद ये कहते हैं कि जिस शख्स ने ये कहा उस शख्स को वो जेल में भिजवा देंगे, उसके बावजूद उस मर्द और औरत का रिश्ता बाकी रहेगा। आप जरा इस बात को सोचिए कि क्या ये जो जेल में जाने वाला शोहर अपनी बीवी के साथ अच्छे से रह पाएगा, वो उस पर खाना और देखभाल कर पाएगा? ये क्या करना चाहते हैं? इस प्रोटेक्शन बिल के जरिए से मुसलमान खवातीन को ये सड़कों पर निकालना चाहते हैं, इस बिल के जरिए से ये हमारे खानदान को इंतशार का शिकार बनाना चाहते हैं। आज इंटेलेक्चुअल तबका इस पर रिसर्च कर रहा है, ये इंतहाई बोधा, इंतहाई नाकिस और इंतहाई कमजोर बिल सिर्फ पॉलिटिक्स खेलने के लिए मैदान में उतारा गया। ये इनकी आंखें बंद हैं क्या? ये नहीं जानते कि हम मुसलमान हैं, हम अपने जात के साथ साथ भारत की हर नारी के हक के लिए खड़े होंगे, हर नारी के हक के लिए खड़े होंगे। हमारे दिल में तो मजदूर औरत के भी लिए दर्द है जो ईंटें ढोती है, जो पत्थर ढोती है, जो रोड बनाती है। हम उस किसान की बीवियों के लिए भी दर्द रखते हैं कि जो धूप में, कड़ी धूप में काम करती है, क्या एजेंडा है इनके पास? हम उस औरत का भी दर्द रखते हैं जो भारत की तारीख में जिंदा जला दी जाती है। हम उस भारत की नारी का भी दर्द रखते हैं जो जहेज की वजह से, ना होने की वजह से दोहरी जिम्मेदारियों से बोझ तले दबी जा रही है। हम भारत की उस नारी का भी हक रखते हैं, चाहे वो हुक्मरान की बीवी हो या आम इंसान की, जिसका शोहर उसको हक नहीं देता, जिसका शोहर उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। हम मुसलमान हैं, हमारी शरीयत में हर इंसान के साथ रहमदिली का बर्ताव रखने का हुक्म दिया है। हम इस बात को साबित कर देंगे कि हम अपनी शरीयत से कितनी मोहब्बत करते हैं और हमारी शरीयत के पास कितना जामे एजेंडा है। एक मुसलमान के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए इसमें अमन का पैगाम है, हर एक भारत की हर नारी के लिए इसमें अमन का पैगाम है। मौजूद खवातीन, 0.22% की तलाक वाली खवातीन इन्हें नजर आती हैं, इन्हें वो नजर नहीं आती जो कोर्ट की तहलीज पर बैठकर भारत की नारी बिला तफरीक मजहब और मिल्लत अपने शोहर से छुटकारा पाना चाहती है क्योंकि वो उसकी देखभाल नहीं कर। इन्हें वो नारी नजर नहीं आती कि जो भूखमरी से सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें गंदगी नजर नहीं आती, इन्हें नजर नहीं आती कि हमारा नौजवान तबका जो बेरोजगारी का शिकार है। इन्हें ये नजर नहीं आता कि हमारे शहर गंदगी के ढेर बन चुके हैं। मौजूद खवातीन,
मुआशरा नहीं है, ये पॉलिटिक्स को देख रहा है। ये तमाम नारी इस बात की गवाह है कि हम तमाम जानते हैं कि ये पॉलिटिक्स है और इसका हम जवाब देंगे। हम अपनी शरीयत की तरफ किसी को आंख उठाने के देखने की इजाजत नहीं देते। अल्लाह के दीन में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह का दीन कायम रहने के लिए है और ये कायम रहेगा। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, जो जमहूरी मुल्क है। हमें अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी है। इस तरह से चंद एक खवातीन को जो हुकूमत लाकर खड़े करती है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा मिलता है कि जिसके शोहर ने 3 तलाक दे दी, तो हुकूमत उसकी वजह फाइंड आउट करे। उसकी वजह ये है कि शराब की वजह से शराब पीकर नौजवान दे सकता है तलाक। उसकी वजह ये है कि किसी ने अगर 3 तलाक बैत वक्त कहा तो बेरोजगारी से मजबूर इंसान होगा। उसकी बेरोजगारी का मसला हल करें, शराब पर पाबंदी लगाएं, क्योंकि हम वो पिटती हुई शराब पीकर शोहर से पिटती हुई खवातीन का दर्द अपने दिल में रखते हैं। शराब पर जान है और मैं शरीयत के लिए फना होना चाहती हूँ। वाह खुदा वाला।